फैक्टर्स फॉर प्री मैरिज इजैकुलेशन देखते हैं आज के वीडियो में। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, अप्रॉक्सीमेटली 50 साल का। बोले, हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं मियाँ बीबी के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर दिमाग में कभी कभी टेंशन आ जाता है कि क्या मैं कर सकूँगा, मेरा होगा नहीं होगा, कहाँ पढ़ा मैंने कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, कहाँ पढ़ा कि उम्र ज़्यादा होने के बाद में एक्साइटमेंट आती है, इरेक्शन आता है और बाद में इरेक्शन निकल जाता है और फिर इजैकुलेशन मतलब पतन होता ही नहीं, वीर्य पतन। तो ऐसे अलग अलग मेरे दिमाग में विचार है और मुझे वीर्य पतन जल्दी होने की बीमारी है करके वो आ गया। तो मैंने जब उसको देखा तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं, डॉपलर टेस्ट किया उसमें भी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। फिर मैं उसके साथ में काउंसिलिंग करने बैठा तो उसने पूछा मुझे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से शीघ्र पतन होता है। तो मैंने, देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस आपके जो पहले वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया तो फिर जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, और वो शीघ्र पतन को मद्देनजर देखते हुए दिमाग में रहता तो इस बार भी शीघ्र पतन जल्दी हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, आपने बहुत दिन तक सेक्स नहीं किया, गैप दिया, तो शीघ्र पतन होता है। नंबर तीन, न्यू सेटिंग है, नया एनवायरमेंट है, नया सेटिंग है, तो उसमें शीघ्र पतन होता है। नेक्स्ट, नया पार्टनर है, नए पार्टनर है और नए पार्टनर के साथ में ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और उससे शीघ्र पतन होता है। फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव पार्टनर, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पार्टनर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कर देने वाला पार्टनर, ऐसा कुछ रहा तो जल्दी हो जाता है। फिर कभी ऐसे एक्सपीरियंस है कि आप सेक्स वर्कर के पास में जाते हो, वो आपको प्रेशराइज कर देगा जल्दी करो जल्दी करो, और उसमें फिर जल्दी करने की एक बीमारी हो जाती है और उसके वजह से फिर शीघ्र पतन होता है। फिर जैसा अभी ये व्यक्ति आया था उसमें, कि उसको लगता है कि मेरी लिंग की कठोरता निकल जाएंगी, इससे अच्छा मैं जल्दी इजैकुलेट कर डालूँ तो अच्छा है। तो एक कारण कि भाई मुझे जल्दी इरेक्शन निकल जाएगा करके मुझे जल्दी निकाल देना है, शीघ्र पतन कर देने का है, अब पतन कर देने का, विरोध कर देने का, तो जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, यदि पति पत्नी में दोनों में डिसहारमोनी है, मतलब पट्टी नहीं है, झंझट है, झगड़ा है, तो उस समय हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से शीघ्र पतन हो जाता है। कभी कभी एक तो आदत सी बन जाती है कि बहुत साल से चल रहा है शीघ्र पतन, और फिर शीघ्र पतन की एक आदत सी हो गई और वही नॉर्मल सेक्स हो गया। तो अभी मैंने बोला, आप देखो आपके इसमें क्या फैक्टर्स है। तो ये 50 साल का जो व्यक्ति मेरे पास में आया था, उसने मेरे पास में कबूल किया कि भाई मुझे ये डर लगता है कि मेरा इरेक्शन जो है कठोरता वो निकल जाएगी उम्र के हिसाब से, एक दो बार हुआ है वैसा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी गिर जाना अच्छा है, जल्दी गिर गया तो अच्छा है, तो इसलिए मैं जल्दी गिरा देता हूँ। मगर वाइफ खुश नहीं होती, उसको एक्साइटमेंट इतनी आती नहीं है और फिर वो डिमांड करती है कि नहीं चालू रखो, और ये चालू रख नहीं सकता और फिर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो अलग अलग फैक्टर्स हमने देखे, इसका इलाज जो है वो है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, और दूसरा है स्क्विज टेक्निक। वो जो टेक्निक है वो हम पेशेंट लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकल, मतलब उंगली के ऊपर दबा के कैसा दबाना, वो सिखाते हैं प्रैक्टिकल कि कैसा करना प्रैक्टिकल में, क्योंकि उस समय तो वो दोनों रहते हैं, बाकी तो कोई रहता नहीं है तो उनको ही सिखाना पड़ेगा, और वो सिखाते सिखाते प्रैक्टिस करते करते उनको वो आ जाता है। इसमें फीमेल सुपीरियर पोजिशन कुछ दिन होना आवश्यक है, मतलब मेल नीचे और फीमेल ऊपर, और स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक एंड स्क्विज टेक्निक, और उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ लाइक फ्लॉक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, फिर क्लोमिप्रामिन जैसी, या फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग, और फिर कभी कभी हमने लोकल एनेस्थेटिक भी वापर लिए, उससे भी फायदा हो जाता है। तो ये रहा प्री मैच इजैकुलेशन के कारण और उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।